देखिए चिराग पासवान ने एक और बड़ा झटका जनता दल यूनाइटेड को दिया है। जी हां, नागालैंड में चुनाव होने जा रहा है और नागालैंड में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तैयारी में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर नागालैंड से आ रही है, जिसे खुद चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया पर साझा भी किया है, जो पूरी जनता दल यूनाइटेड की इकाई है, जो पूरी यूनिट है जेडीयू की, वहां जो पार्टी है उसके तमाम जो पदाधिकारी है, जो अलग अलग पदों पर है, उन सभी ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। सामूहिक इस्तीफा दिया गया है और उसके बाद वे तमाम लोगों ने एक साथ लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी पर आस्था जताई है। वे तमाम लोग लोजपा रामविलास की पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। अब तस्वीरों में देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता जो तमाम लोग हैं वो ले रहे हैं। दो लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं। पहले लिस्ट में देखिए, जब जेडीयू के पार्टी में ये लोग थे तो चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हो या फिर स्टेट सेक्रेटरी हो या फिर कोहिमा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, यूथ प्रेसिडेंट हो या फिर यूथ वाइस प्रेसिडेंट हो, जो तो तमाम पदे होती हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में, ये सभी लोग करीब करीब आप संख्या के बल के हिसाब से देखें तो करीब 30 जो महत्वपूर्ण पद है पार्टी में, मीडिया सेल के लोग हो या फिर कोई भी स्पोक्स पर्सन हो यानी प्रवक्ता हो, ये तमाम लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और एक साथ चिराग पासवान की पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है जो सीधे नागालैंड से आ रही है और बिहार की दो राजनीतिक पार्टियां जो राज्य में एक दूसरे के सामने है, वे अब नागालैंड में भी अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। चिराग पासवान ने ये बड़ी शिकस्त दी है जनता दल यूनाइटेड को। अब देखिए, उन्होंने बजाबते चिराग पासवान ने शेयर भी किया है तस्वीर और वो लिख रहे हैं कि नागालैंड राज्य में जनता दल यूनाइटेड की लगभग पूरी राज्य इकाई को छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी साथियों का पार्टी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी पार्टी के विचारों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नागालैंड में समुचित विकास और नागा मुद्दे को लेकर प्रतिबद्ध है। तो ये बड़ी खबर आ रही है नागालैंड से। देखिए, बिहार में लगातार चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर रहे हैं। आज के संदर्भ में भी अगर बात की जाए तो चिराग पासवान की पूरी राजनीति जो है वो बिहार सरकार के खिलाफ है और समय समय पर वो तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लेते रहते हैं। और अब नागालैंड, जहां पे कई दिनों से जाकर ललन सिंह जो कि जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बैठे हुए हैं, वहां की पार्टी की देखरेख कर रहे हैं, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ा झटका लगा है जेडीयू को, जहां पर पूरी की पूरी राज्य की जो इकाई है करीब 29 लोग, जी हां संख्या बड़ी है, 29 लोग और महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए लोग हैं ये पार्टी में, वे सभी लोग अब पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे चुके हैं और सभी के सभी लोग लोजपा रामविलास की जो पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, वो ज्वाइन कर चुके हैं। पहले भी खबर आई थी कि लोजपा रामविलास की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ सकती है नागालैंड में और इसी बीच ये बड़ा धमाका किया गया है चिराग पासवान की तरफ से। आपको बता दें कि लगातार बिहार में राजनीति जो है वो तेज चल रही है, जेडीयू के अंदर अंतर्कलह मचा हुआ है और इस पर बार बार टिप्पणी भी करते हैं चिराग पासवान। और इसी बीच ये बड़ी खबर आई नागालैंड से, जहां पर पूरी की पूरी जो राज्य इकाई है जनता दल यूनाइटेड की, सभी लोग चाहे वो अध्यक्ष हो, वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर मीडिया सेल के ही लोग हो या फिर जो युवा विंग होता है, जो यूथ विंग होता है, ये तमाम जो लोग बैठे हुए थे इन पदों पर, उन सभी ने सभी इस्तीफा दे दिया जदयू से और ये बड़ा झटका जनता दल यूनाइटेड को लगा है और इसे लेकर पार्टी जो है लोजपा रामविलास की वो बेहद खुश है। बताते चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, वहां पर तमाम तस्वीरें जो पार्टी ज्वाइनिंग की तस्वीरें हैं वो भी साझा कर दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदीप तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।